हाँ तो दोस्तों, ये है चंदन का पेड़। आपने बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, ये भी चंदन का पेड़ है और वो भी चंदन का पेड़ है। ये बीच में अशोक भाई, ये क्या लगा रखा है? ये इसका स्पोर्टिंग प्लांट है। ये अच्छा। पैरासाइटरी होता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता। अच्छा अच्छा। प्राइमरी तौर पे ये इसको खुराक देती है, जो आपकी लाल लाल दिख रही है। लाल लाल है इसको। हाँ। क्या बोलते हैं? प्राइम लाल मेहंदी बोलते हैं इसको। अच्छा। एक साल तक ये खुराक देती है, बाद में इससे खुराक लेना शुरू कर देता है जड़ों से। ये कौन सा पेड़, किसका पेड़? ये कैजुरीना बोलते हैं इसको। कैजुरीना बोलते हैं। फ्रांस का पेड़ बोलते हैं। फ्रांस जैसा होता है, फ्रांस नहीं होता ये। अच्छा, कैजुरीना अलग होता है। तो ये है अपना चंदन। चंदन की फार्मिंग हमारी खास तौर पे रहती है। तो जो फार्मर है, जो चंदन की खेती करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, लीगल है क्या? कानूनी? बिल्कुल लीगल है। ये चंदन नाम ही बदनाम है, हम तो ये सोचते हैं कि कानूनी पचड़ा ना हो इसमें, कोई लीगल ऐसा लीगल है ना? बिल्कुल लीगल है। ये 12 से 15 साल में तैयार हो जाता है और इसकी लकड़ी काफी महंगी है, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए का एक पौधा है 12 से 15 साल में अगर तैयार हो जाता है तो। अच्छा अच्छा। एक एकड़ में 6-7 करोड़ रुपए नॉर्मली है फार्मर के 10-12 साल। फिर तो सिक्योरिटी गार्ड लगानी पड़ती है। सिक्योरिटी इसकी 5-6 साल बाद में सिक्योरिटी इसकी करनी पड़ेगी हमें। अभी कच्चा पेड़ है, वो तो स्मेल नहीं देता, खुशबू वगैरह नहीं आती। 5 साल बाद में जब इसमें ग्रिल बननी स्टार्ट होगी, जब हार्डवुड स्टार्ट होगा ना, हार्डवुड उस टाइम इसमें जो है इसकी सिक्योरिटी हमें करनी पड़ेगी और तभी इसमें खुशबू आनी स्टार्ट होगी। इसमें इसकी लकड़ी कहीं लेके जाते हैं और जाते हैं तो वो कोई लीगल तरीका, कोई कानून? जब इसका जो लीगल तरीका बता दूं, ये जब कटेगा उस टाइम DFO से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, काटने के समय DFO से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी, वो ट्रांसपोर्टिंग परमिशन देगा। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड ऑफिसर, वो अपने एग्रीकल्चर वाले डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वो इसको देखेगा। अच्छा। इसका वजन करेगा, फिर यहाँ से इसका वजन करके फिर वो आपको जहाँ तक आपको ले जाना वो लिख के देगा, आपको पूरा परफॉर्मा बना देगा, इतना वजन का चंदन यहाँ से उसके वहाँ जा रहा है। तो रस्ते में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्टली आप काट के इसको ले जाते हैं तो चोरी का माना जाएगा वो, क्योंकि इसकी वो स्मगलिंग भी होती है ना, वो काफी महंगी वैरायटी होती है, तो लोग चोरी करके डाका डाल के वो भी लेके आते हैं, तस्करी करके लेके। इसलिए वो डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं कि भैया लीगल है इनका माल। तो जो फार्मिंग करना चाहते हैं, चंदन हमारे स्पेशलिस्ट है पूरे यहाँ पे, देखना हो किसी को 300 पौधे हमारे चंदन के लगे हुए। अच्छा, लगे हुए पूरा, बिल्कुल 300। ये रो है इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने वो संदीप भाई के वहाँ घर पर देखे थे। बिल्कुल, वो उसने लगा रखे हैं, संदीप भाई ने हमारे यहाँ से लेके गए थे। तो चंदन काफी इनकम वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जो फार्मिंग करना चाहते हैं, इसके लिए क्लाइमेट वगैरह कुछ नॉर्मली अपने क्लाइमेट में हो जाता है, 0 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक कोई दिक्कत। 48 डिग्री तक तापमान में आप लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लंबी खेती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन जब मिलता है ना, सफर फाड़ के मिलता है। तो जो खेती करना चाहते हो फार्मर, बिल्कुल बिल्कुल, अशोक भाई से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे हमारा वो मिल जाएगा। बिल्कुल, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी है, यहाँ पर आप आके चंदन के पेड़ है ये भी इनके पास अवेलेबल है जी। ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें और बिल्कुल 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 अशोक भाई, बिल्कुल जितना सहयोग हो सके। देखो, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया चीज है ना, हमेशा समाज में प्रमोट होनी चाहिए जी जी, और लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो ओके, धन्यवाद।